हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी से रिलेटेड न्यूज के बारे में। एक अपडेट आया है जिसमें यह कहा गया है कि हर 5 साल पर यूपी बोर्ड से क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब यूपी बोर्ड मतलब ये नहीं समझिएगा कि खाली 10th क्लास। यूपी बोर्ड जो इसको देखती है वो हर 5 साल पर क्या देगी, सर्टिफिकेट, जिससे पहचान होगा। इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सशक्त हैं, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, टेक्नोलॉजी हो, और भी कई सारे अन्य क्षेत्र हैं जहां पर वो विकास कर रहे हैं या अपराध को कम करना हो। उसी कड़ी में एक शिक्षा से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया न्यूज है जो कि बहुत शानदार वे में बच्चों को हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ न्यूज है। यूनिवर्सिटी की तरह अब स्कूलों का भी मूल्यांकन हर 5 साल पर यूपी बोर्ड से मिलेगा सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी की तरह स्कूलों का भी मूल्यांकन इवैल्यूएशन और हर 5 साल पर यूपी बोर्ड से मिलेगा सर्टिफिकेट। तो चलिए देखते हैं और क्या कुछ न्यूज है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों की तरह अब माध्यमिक स्कूलों समझिए कक्षा 6th से लेकर 8th क्लास तक क्या इसके अंदर आता है, माध्यमिक शिक्षा के अंदर। तो माध्यमिक स्कूलों का भी मूल्यांकन होगा, ऐसा नहीं है कि अभी यूनिवर्सिटियों तक सीमित रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, प्राधिकरण मतलब होता है प्रूफ, तो स्टैंडर्ड प्रूफ स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या भेजा है, प्रस्ताव भेजा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की तरह अब माध्यमिक स्कूलों का भी मूल्यांकन होगा, किसके जैसा, जैसे अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में होता है उसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों का भी मूल्यांकन होगा। जैसा कि सुने होंगे कि 2020 में ही नई शिक्षा नीति आया था। यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, एक अपडेट आया था उसके बारे में बात किए हैं। तो जैसा कि आप सुने होंगे कि धीरे धीरे ये क्या होगा, प्रतिपालन में आएगा, यानी कि व्यवहार में आएगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण यानी स्टैंडर्ड प्रूफ स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शैक्षणिक खेलकूद और संसाधन, शैक्षणिक एजुकेशनल खेलकूद यानी प्लेइंग से रिलेटेड, और संसाधन यानी रिसोर्सेज। तो शैक्षणिक खेलकूद और संसाधन आदि बिंदुओं के आधार पर स्कूलों का हर 5 साल पर मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, आपको एक प्रूफ, आईडी प्रूफ एक तरह से कह सकते हैं मिलेगा, जैसे आधार कार्ड में होता है ना आपका पहचान। छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ, कैसे मिलेगा लाभ जो बताते हैं। देखिए, कोई बच्चा 8वीं तक पढ़ा तो उसके पास पैसों की कमी से छोड़ दे, या कोई बीमारी हो गया जिसको उसको रेस्ट चाहिए 1-2 साल के लिए, तो वो छोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता कि वो कह सके, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता कि वो कह सके कि हम पूरा किए हैं। ज़रूरी तो नहीं है कोई ऐसे भी आके कह सकता है कि हम तो इस तक, इस कक्षा, किसी विशेष कक्षा तक हम तो पढ़े हुए हैं, तो कैसे विश्वास करें। तो प्रमाण पत्र से बच्चों को लाभ मिलेगा। अब फिर बचवा मतलब 8वीं के नीचे कक्षा से स्टार्ट नहीं करेगा, अब तो 8वीं तक के लिए उसके पास प्रमाण पत्र है, तो अब 8वीं के बाद से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा, जिस लाभ है इससे स्कूलों की कार्य क्षमता में सुधार होगा, उसके कार्य करने की क्षमता में, जिसका सीधा लाभ उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा।
राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही वित्त विहीन स्कूलों यानी फाइनेंशियलेस, यानी जो पैसा की जिस स्कूल के पास उतना भर भर के मनी नहीं है, तो फाइनेंशियलेस वित्त विहीन स्कूलों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, जांच किया जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव स्कूलों सेक्रेटरी स्कूल्स को मूल्यांकन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अब ऐसा ना है कि जैसे कोई स्कूल है तो वो ज़्यादा भी मंगवा सकता है, जैसे ज़रूरत है 10 प्रमाण पत्र की या 100 प्रमाण पत्र की, अब वो मंगवा लेगा 210 और 10 ज़्यादा मंगा लिया, वो पैसा लेके वो 10 प्रमाण पत्र दे देगा, तो गड़बड़ी ना हो जाएगा, तो जांच करना भी ज़रूरी है। तो अब आगे देखते हैं क्या कुछ है। यूपी बोर्ड ने मान्यता की नई शर्तों में हर 5 साल पर नवीनीकरण की भी बात की है, यानी कि उसमें चेंजेस होगा, बदलाव होगा समय के साथ, ना कि वही पुराना रहेगा सारा लड़ा। 2% मैंने परसेंट, 2% संस्थाओं को हुआ नैक मूल्यांकन। नैक मतलब बढ़िया से समझिए, नैक मूल्य, नैक क्या है, और एक संस्था है NAAC, हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतियायन परिषद, और इंग्लिश में होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो ये एक संस्था है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम एक जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षा से रिलेटेड क्या करता है, स्कूलों को प्रत्यायन एवं मान्यता को करता है, मान्यता ये सब में उलझे रहता है। उच्च शिक्षण संस्थानों के नैक मूल्यांकन को लेकर सरकार का खासा जोर है, यानी कि ये जांच करे, इवैल्यूएशन करे। वर्तमान में प्रदेश की कुल 1926 उच्च शिक्षण यानी हायर एजुकेशनल संस्थाओं में से मात्र 104 ने ही नैक मूल्यांकन कराया है, यानी इसे जांच करवाया है, उसे सर्टिफाइड है। प्रदेश के 169 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण मूल्यांकन नहीं कराया, यानी पहले मूल्यांकन नहीं कराया है, तेज बनने की कोशिश कर रहा है, तो अब तेज नहीं चलेगा, योगी भाई आवल हैं, टांडा मचा देंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन कराने का निर्देश दिए हैं, समझे इसको। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि फर्स्ट प्राथमिकता, यानी कि उसको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन कराने का निर्देश दिए हैं। उनको सबसे पहले क्या होगा, मूल्यांकन होगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों या नैक मूल्यांकित संस्थानों को मेंटर या नोडल बनाने का निर्देश दिए हैं। मेंटर मतलब होता है कि उसको निगरानी करना, देखभाल करना। आगे देखते हैं, तो बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।